हक है वो हक है वो हक है या रसूल अल्लाह। आए हाय 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 सालिम मन शीता व हारिम मन शीता वक्ता हिबाल मन शीता खुद मिन अम्वालिना मा शीता मा अखदत मिन अम्वालिना अहब इलैना मिम्मा तरकत लना। फिर या रसूल अल्लाह फिर हम मक्के वालों से पीछे नहीं हैं, आप लड़िए जिससे लड़ना है हम लड़ेंगे, आप हाथ मिलाइए जिससे मिलाना है हम हाथ मिलाएंगे, आप हमें आगे कर दीजिए हम आगे होंगे, आप हमें हुक्म दें कि हम आग में कूद जाएं, मदीने का बच्चा भी पीछे नहीं बचेगा, आप हमें फरमाएं समंदरों में छलांग लगा दो सारा मदीना गर्क हो जाएगा पीछे मुड़कर ना देखेगा, आप हमें फरमाएं कि यमन तक अपनी ऊंटनियां सवारियां दौड़ाते चले जाओ, अल्लाह की कसम पीछे मुड़ के ना देखेंगे कि हमारे बाल बच्चों का क्या हुआ। हम आप पर ईमान लाए, आपको सच जाना और हक जाना, आप हुक्म दीजिए। अल्लाह साथ होने का एक नमूना बदर, बदर अल्लाह साथ हो गया, तलवारें नहीं, तीर नहीं, नेजे नहीं, घोड़े नहीं, शख्सवार नहीं, निहत्ते लोग सामने, ताकतवर ताकतवर मुसल्लह पूरी तरह कील कांटे से लैस। फिर मेरा नबी अल्लाह के सामने रोया है, फिर वो रात 17 की रात शबे जुमा रमजान जुमा की रात, और मेरे नबी हैं और हाथ उठे हुए हैं और चादर ढलक रही है गिर रही है और आप रो रहे हैं, और आपने 313 पर जो ठप्पा लगाया, ना इससे पहले किसी को ये मोहर मिली है, ना इसके बाद किसी को ये मोहर मिली, ना इससे पहले किसी को ये सर्टिफिकेट मिला, ना इसके बाद किसी को मिलेगा। मेरे नबी तड़प तड़प के बोले, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिल इसाबतु फलन तुबाद, ओए होए होए ए मेरे रब ये 313 हलाक हो गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई ना बचेगा। अल्लाह अकबर, क्या बदर के सहाबा को इज्जत दी है। ए मेरे रब ये 313 तोहलिक तहलिक दोनों तरह, अगर इन 313 को तूने हलाक कर दिया तो तेरा नाम लेने वाला धरती पे कोई ना रहेगा। अल्लाह ये 313 हलाक हो गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। इन 313 को इतनी इज्जत दी। जिब्रील बोले एक दफा, या रसूल अल्लाह आपके सहाबा में सबसे बेहतर अफजल कौन है? आपने कहा मेरे बदर के सहाबा। जिब्रील बोले या रसूल अल्लाह सातों आसमान के फरिश्तों में जो फरिश्ते जंगे बदर में शरीक हुए थे अल्लाह की बारगाह में, वो फरिश्ते सबसे ज्यादा बेहतर अफजल और मुकद्दस फरिश्ते हैं। अन्नी मुमित्तुकुम बे अल्फिम मिनल मलाइकत मुर्दफीन, अल्लाह ने 1000 फरिश्ते उतारे। इज तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजी, ये लफ्ज फा मुझे रुलाता है, मैं अब भी रो रहा हूं। इज तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजब, जब अल्लाह हो जाता है, जब अपना हो जाता है, तो फिर अल्फाज दुआ के अभी जबान पर होते हैं और कबूलियत जमीन पे उतर आती है। ये फा का मतलब है फा फस्तजब लकुम, सुमस्तजाब लकुम नहीं, सुम्मा देर से फा, कि जब मेरे महबूब के सहाबा ने मुझे पुकारा, इज तस्तगीसून रब्बकुम, जब तुमने अपने रब को पुकारा, और मैं तो तुम्हारा हो चुका था, हो चुका हूं, लिहाजा अभी अल्फाज जबान पर थे कि मेरी कबूलियत हुई उतरी और लब्बैक से आसमान गूंजे, अर्श गूंजा, फिजा गूंजी, और मेरे आसमान के दरवाजे खुले, और तुम्हारी दुआ के खत्म होने से पहले 1000 फरिश्ते जमीन पर उतर आए। एक हवा का झोंका आया, हजरत अली ने पूछा या रसूल अल्लाह ये तेज हवा कैसी, ऐसे बगुला सा आया। आपने कहा जिब्रील आ गया 500 फरिश्ते लेकर। फिर एक और हवा का झोंका आया,
हजरत अली ने पूछा, या रसूलल्लाह ये कैसी हवा है? फरमाया मिकाईल आ गया 500 फरिश्ते लेकर। कभी हम भी तुम में भी चाह थी, कभी हम भी तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना यार। कभी अल्लाह से बड़ी दोस्ती होती थी, आंखें हराम नहीं देखती थी, जबान हराम नहीं बोलती थी, हाथ जुल्म से पाक थे, शहवतें जिना से पाक थी, औरतें बेहयाई से बेपर्दगी से पाक थी, ताकतवर मुतवाजे थे, गरीब खुददार थे, मालदार सखी थे, हुक्मरान रहम दिल थे, काजी आदिल थे, ताजर जानतदार थे, गरीब मेहनती थे, नौजवान सजदों वाले थे, रातों को रोने वाले थे, रोजों वाले थे, हलाल पूरे बाजार में झूठ कोई ना बोलता था, पूरे बाजार में सूद कोई ना था, कहीं शराब की भट्टी नहीं थी, कहीं माँ का गरेबान चाक ना था, कहीं बाप की दस्तार पगड़ी औलाद उछालती ना थी, कोई ताजर बदयानता था, कोई अफसर रिश्वत नहीं लेता था, कोई कब्जा गरोप ना थे, कोई लैंड माफिया ना थे, कोई प्रॉपर्टी माफिया ना थे, कोई रिश्वत के निजाम ना थे, कोई जुल्म सितम के निजाम ना थे, यतीम के सर पे हजारों हाथ होते थे, यतीम की बेटी हर एक की बेटी होती थी, तो फिर अल्लाह कहता था तू पुकार मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा, मैं आ रहा। फिर वो आया और उसने बदर में आके दिखाया कि 313 निहत्तों ने 1000 के मुंह फेर दिए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इतना बड़ा कत्था घोड़े पर बैठते थे, पांव जमी, ये अजब जंग है। उधर बाप खड़ा है उतबा बिन रबीआ कुफर का झंडा लेकर, इधर बेटा खड़ा है अबू हुज़ैफा अपने नबी का झंडा लेकर, उधर चचा खड़ा है अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, इधर भतीजा खड़ा है अली बिन अबी तालिब, उधर बाप खड़ा है अब्दुल्ला बिन जर्राह कुफर का झंडा लेकर, इधर अबू उबैदा खड़े हैं अपने नबी का झंडा लेकर। बाप बेटा, उधर उज़ैर बिन उमैर कुफर का झंडा लेके खड़ा है, इधर मुसअब बिन उमैर बदर में मेरे नबी का झंडा लेकर खड़ा हुआ है, इधर आस बिन हिशाम मामू खड़ा हुआ है, और इधर उमर बिन खत्ताब भांजा खड़ा हुआ है। ये अजब जंग लड़ी गई है। उधर उबैद बिन हारिस खड़े हैं, इधर अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब खड़े हैं, उधर उतबा खड़ा है बाप, इधर अबू हुज़ैफा खड़ा है बेटा, उधर भाई खड़ा है वलीद बिन उतबा, इधर भाई खड़ा है अबू हुज़ैफा बिन उतबा, भाई भाई के आगे खड़ा हुआ है, बाप बेटे के आगे खड़ा है, इधर बाप खड़ा है नबी का झंडा लेकर अबू बकर, और उधर बेटा खड़ा हुआ है कुफर का झंडा लेकर अब्दुल रहमान बिन अबी बकर, और इधर अबू बकर, हाय हाय, अबू बकर के सब नसर ये वाहिद सहाबी हैं, वाहिद सहाबी हैं जिनके सारे बेटे ईमान लाए, जिनकी मां ईमान लाई, जिनके बाप ईमान लाए, जिनके बच्चे ईमान लाए, जिनकी बीवियां ईमान लाए, ये वाहिद सहाबी हैं, वाहिद। बाकी कुछ लाए कुछ नहीं लाए, कुछ लाए कुछ नहीं लाए। जब अब्दुल रहमान ईमान ले आए तो मदीना में कहने लगे, अब्बा बदर की जंग में तो मेरी तलवार के नीचे आ गया था, बाप समझ के छोड़ दिया। सिद्दीक ने कहा, बेटा तो मेरी तलवार के नीचे आता तो अल्लाह की कसम तुझे कभी ना छोड़ता, तो मेरे नबी का दुश्मन बन के आया था, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ता। ये अजब जंग लड़ी गई है। अबू उबैदा बिन जर्राह बाप से बचते रहे, बचते रहे, बचते रहे, और बाप सामने आके वार करे, सामने आके वार करे, आखिर अबू उबैदा ने अपने बाप की गर्दन उड़ा दी और मेरे नबी से टाइटल पाया। हर उम्मत का एक अमीन होता है, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा है, अबू उबैदा है। हाय हाय हाय, आज अल्लाह साथ होके दिखा रहा है मैं हूं, मैं साथ हूं। और जब टाकरा है, उतबा निकला, वलीद निकला, शैबा, वलीद बिन उतबा, उतबा का बेटा, शैबा बिन रबिया, उतबा बिन रबिया भाई, दो भाई, बेटा भतीजा, तीन निकले।
तो आपने कहा मुआवज निकलो, अफरा निकलो, माज निकलो, अंसारी लोहे में तीनों छह के छह। जब ये सामने आए कौन हो, कुफर भी अजीब कुफर था तो कुफर भी बड़ा डाढ़ाई कुफर आई, मक्के दो कुफर भी कमाल ही कर छड़िया। कौन हो, काम मदीने वाले, तो वापस जाओ, तुम छोटे लोग हमारी टक्कर के नहीं हो, चलो वापस। मोहम्मद आखिर इलैना अकफाना, तो मेरी कौम मेरे मुकाबले में ला, ऐ की तुम छोटे छोटे बंदे घर छड़े। आपने कहा हमजा निकलो अल्लाह उसके रसूल के, अली निकलो अल्लाह उसके रसूल के, उबैदा बिन हारिस मेरे नबी के सबसे बड़े ताया के बेटे, उबैदा निकलो अल्लाह उसके रसूल के लिए। अच्छा उतबा मैं अपनी आल भेज रहा हूं, हमज़त इब्न अब्दुल मुत्तलिफ कौन हो, उबैदा बिन हारिस कौन हो, अली इब्न अबी तालिब, कौम किराम अकफाउना, हां अब आए हो इज्जतदार लोग, अब आए हो हमारी टक्कर के लोग, हमजा हमजा और उतबा टकराए, वलीद और अली टकराए, शैबा और उबैद टकराए, हमजा तो असदुल्लाह असद रसूल ही। जब हजरत हमजा उहद की जंग में शहीद हुए और हिंदा ने नाक काट दी, पेट चाक करके कलेजा चबाया, आंखें निकाल दी, कान काट लिए, मेरे नबी जब लाश को देखा तो इतना रोए के हिचकियां लग गई, दूर तक रोने की आवाज गई। जब अपने नबी की हदीस से याद आती है, जब तुम पर दुख पड़े तो मेरे दुख याद करना, जब तुम पर दुख पड़े तो मेरे दुख याद करना, तुम्हें अपने दुख हल्के लगेंगे। कौन हो, हमजा आले रसूल, कौन हो अली आले रसूल, कौन हो उबैद आले रसूल। आओ हजरत हमजा का बता रहा था, जब उनके लाश को देखा और आप तड़प तड़प के रोए तो आसमान से जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मेरे हबीब आप रोए नहीं, हमने अर्श के ऊपर लिखवा दिया है हमजा तो असदुल्लाह व असद रसूल ही, हमजा अल्लाह और उसके रसूल के शेर हैं। एक ही बार में उतबा का सर हो गया, अली ने वलीद को उड़ा दिया, शैबा और उबैद बिन हारिस इनकी टक्कर हुई तो शैबा ने हजरत उबैद की टांग उड़ा दी, वो गिर पड़े, तो अली और हमजा ने आकर शैबा का सर उड़ा दिया, तो उबैद की को उठा के जाके अल्लाह के नबी के सामने पेश की, तो उन्होंने अपने नबी के पांव पकड़ लिए, कह या रसूल अल्लाह आप गवाही दे दें मैं शहीद हूं, मैंने अल्लाह रसूल के नाम पर जान को दी, आप गवाही देते हैं। कहा हां हां मैं यहां भी गवाह हूं और आखिरत में भी गवाह हूं कि मेरे चचा के बेटे ने अल्लाह रसूल के नाम पर जान की बाजी हार। फिर कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर आज अबू तालिब जिंदा होते तो आज उनका कलेजा ठंडा होता और आज वो जानते कि जो शेर उन्होंने कहा था मैंने उस शेर का हक अदा कर दिया। وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ عَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ। जनाब अबू तालिब का कसीदा है 99 अशार का, शेब अबी तालिब में अपने चचा के शेर को पेश किया, या रसूल अल्लाह जो चचा अबू तालिब ने कसीदा पढ़ा था आपकी शान में और उसमें ये शेर कहा था, आज वो होते तो जान लेते कि मैंने इस शेर का हक अदा कर दिया, कि हां हां तुम क्या समझते हो कि मैं अपने भतीजे को छोड़ दूंगा, न मेरी तलवार चलेगी, न मेरा नेजा उठेगा, न मेरा तीर चलेगा, इससे पहले हम छोड़ दें, नहीं हां हां मैं इसे छोड़ दूंगा, कब, जब मेरी लाश के टोटे टोटे हो चुके होंगे, जब मेरा घराना चारों तरफ कुर्बान हो चुका होगा, ठीक है मुड़ ले जाए उस तो पहले कोई माईदा लाल लेते भी खावे। हाँ, 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 हाँ। रसूल अल्लाह
आज मैंने शेर का हक अदा किया। हाँ, इनका बाद में इंतकाल हुआ, शहीद हुए, इनको थोड़ा ये दो दिन बाद शहीद हुए और इनको आगे जाके कब्रिस्तान में दफन किया गया। सन 2000 में मैं हजरत उबैद की कब्र ढूंढ के पहुंचा था, अंदर है, अंदर सहरा में, पहाड़ नहीं सहरा है। ऐसी खुशबू, ऐसी नूरानियत, सुभान अल्लाह। हालांकि नाम भी मिट चुका है, सब नाम मिटे हुए हैं, लेकिन वो बद्दू था, बद्दू इलाकाई जो जानता था, वो मुझे वहां ले गया। ये है उबैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जंग बदर के शहीद। मेरे अल्लाह ताला ने दिखाया कि 70 कत्ल हुए, 70 गिरफ्तार हुए। हजरत अब्बास को इतना बड़ा कद था कि घोड़े पर बैठते पांव जमीन पर लगते। एक सहाबी अबू माकिल छोटा सा कद, उन्होंने हाथ बांधे हुए रस्सी में और खींच के ला रहे। हजरत अब्बास पानी हो गए तो कहने लगे, भतीजे मुझे इसने नहीं पकड़ा। वो कहने लगे अबू माकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नहीं या रसूलल्लाह, ये गलत कह रहा है, मैंने पकड़ा है। अब्बास कहने लगे, इसने नहीं पकड़ा, जमीन आसमान के दरमियान कोई शख्स खड़ा था जिसने मेरे हाथ मरोड़ के पीछे कर दिए, इसने आके रस्सी बांध दी। वो कहने लगे, अच्छा अब्बास ने फरिश्तों को देख लिया, अबू माकिल ने नहीं देखा। तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह ये गलत कह रहे हैं, मैंने ही पकड़ा है। आपने कहा, उसकत फकद अय्यदक अल्लाह बिमलकिन करीम, चुप हो जा, अल्लाह ने फरिश्ते को भेज कर तेरी मदद की थी, फरिश्ते को भेज कर तेरी मदद की थी। बदर की जंग अल्लाह को साथ लेने, रोजा अल्लाह को साथ लेने का वादा है अल्लाह का, और रमजान में अल्लाह ने साथ होके दिखाया कि मैं कैसे साथ हो जाता हूं।